अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, आपको समझ आ गई होगी कि आज की वीडियो किस चीज़ के लिए। अच्छा जी, हमें गोट फार्म के लिए एक वर्कर की ज़रूरत है। पिछली वीडियो में हमने बताया था हमारा वर्कर जो है भाग गया, फ्रॉड करके मर से चला गया। तो अभी हमें चाहिए कोई एतमाद वाला बंदा चाहिए, बेसिक फैमिली वाला हो। तो रिहाइश हमारी यहाँ पर बनी हुई है, एक कमरा है, एक किचन और एक वाशरूम बना हुआ है। अगर फैमिली लेके आना चाहता है, छोटी फैमिली हो तो वो, बाकी मोटर लगी हुई है बड़ी, बोर हुआ हुआ है, पानी वगैरह है सब, मीटर लगा हुआ है हर चीज़। तो लेकिन रखना हमने कंट्रैक्ट करके है, क्योंकि पहले भी ऐसे जो है ना, किसी के ऊपर हम एतमाद अब कर नहीं सकते हैं। बाद में हम खुद खुआर होते हैं, जलील होते हैं, ये लोग भाग जाते हैं। तो ये कि सैलरी जो है 25,000 देंगे, पहले भी इतनी दे रहे थे। और साथ ये है कि जो छोटी ईद होगी उसके ऊपर, मतलब रमज़ान का जो महीना होगा उसमें 35,000 सैलरी देंगे, 10,000 जो है वो। ये टैंकर आ गया हमारा, टैंकर डलवाने की जगह नहीं थी, और सामने फिर ये पाकिस्तानी देसी जुगाड़ लगाया, नीचे खड्डा खोद के बीच में शापर रख दिया। इसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा ताकि जो है ना इससे यूज़ करते रहेंगे। बाकी हमने इनको वो लगा दिए पानी, यहाँ पर अभी टंकी नहीं बनी हुई। जी काम लगे हुए हैं मज़दूर, गर्मी इतनी है, यहाँ बैठने का दिल भी नहीं करता है। मैं घर जा रहा हूँ, फिर वापस आऊँगा। ये अभी आए हैं वापस, काम लगा हुआ है, रेड़ी ख़राब हो गई, रेड़ी का टायर पंचर हो गया था, और लेने के लिए गए हैं मज़दूर। एक तरफ पांच पांच रद्दे लग गए, बाबा जी अकेले लगे हुए। बस अब कह रहे हैं हमने छुट्टी करनी है, काम थोड़ा रह गया था, लेकिन इन्होंने जो है ना कह रहे हैं हमने आज नहीं करना, हमने कल करना है। अभी बस छुट्टी करके घर जाएंगे। ये जी अभी मैं आया हूँ रात को, हमारी फिंचीज़ का बच्चा बाहर बैठा हुआ है, माशाल्लाह से बड़ा हो गया, बाहर आ गया, झूले ले रहा है। ये अब खुद ही बाहर अपने अंदर जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। कल इंशाल्लाह फिर वीडियो बनाएंगे, अगर टेम्परेचर ठीक हुआ। इतने दिनों से वीडियो, असल में वहाँ पर इतनी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, फ़ोन वीडियो ही नहीं बनाता। अल्लाह हाफिज़।